mother name is Shalu and my father name is Harveer Singh. I live in Solan. My aim is actor. Mama, mama, आज कितनी गर्मी है? क्या पंछियों को गर्मी लगती है? क्या वो अपने घर में एसी लगाते हैं? Oh my God! मैं अभी पंछियों के लिए खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी लाती हूँ। पंछियों को भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, तब तक मैं बैठ के ड्राइंग कर लेती हूँ। मेरी ड्राइंग तो बन गई। अरे हाँ, मैंने पंछियों के लिए खाना भी तो रखा था। चलो चेक करके आती हूँ कि पंछियों ने खाना खाया या नहीं खाया। ये पंछियों ने खाना खा लिया। ये पंछियों ने खाना खा लिया। मम्मा मम्मा देखो, पंछियों ने खाना खा लिया। My school name is DL Central Public School, Shanti Sol. I read in grade 3. Good morning, class. Good morning, class. So, student, today we start a new topic, reproductions. Okay? So, first I will explain you what is reproduction. So, students, what is reproduction? The process by which new living beings are formed is called reproduction. Reproduction matlab, jab ek new living being formed hota hai, usse hum reproduction bolte hain. Okay, got it? Yes, ma'am. Okay, can you tell me the two ways of reproduction? Yes, Sanvi, what is the two? Birth and laying egg. Very good. There are the two ways of reproduction. First is giving birth and laying egg. Sanvi, can you tell me the some examples of which animals giving birth? Elephant, giraffe, and okay, and laying eggs. Hen. Very good. Sit down. So, there are the two ways of reproduction, okay? By laying eggs and by giving birth, okay? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. मैं अशोक शर्मा
प्रेसिडेंट बीएल एजुकेशन सोसाइटी सोलन, आपको यह बताते हुए प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल की स्टूडेंट सानवी अत्री, जो कि क्लास थर्ड की स्टूडेंट है, ने किस में कितना है दम, जो कि मल्टी टैलेंट शो है, मैं 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं, वो फाइनल के लिए पहुँच चुकी है। और इससे मैं इसलिए उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा सारे स्कूल के टीचर स्टूडेंट्स उस पर सब प्राउड फील करते हैं, और मैं जो भी हमारे स्कूल की तरफ से हो पड़ेगा हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और भी जो हेल्प होगी किसी भी तरह से स्कूल की तरफ से, जो चाहेंगे वो सब करेंगे, उसको मेरे माय गुड विशेस आर ऑलवेज विद हर। हेलो एवरीवन, आई एम नीति भारद्वाज, आई एम क्लास इंचार्ज ऑफ ग्रेड 3 एंड सानवी इज माय स्टूडेंट एंड आई एम वर्किंग इन बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल। एंड सानवी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज वेरी गुड, वो एक बहुत अच्छी बच्ची है, शी इज अ ड्यूटीफुल, ऑनेस्ट एंड वेरी केयर। तो बच्ची पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और एक वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ये उसका ही जो है कठिन परिश्रम है, बच्ची का हार्डवर्क है जो उसको इस मुकाम तक लेकर आया। और हमें बड़ी खुशी है हमारे स्कूल की बच्ची सानवी किसमें है कितना दम, कि 4 राउंड क्लियर करके फाइनल में पहुंची है। तो हम सब की यही शुभकामना है कि सानवी बहुत आगे तक जाए, अपने माता पिता का, हमारे स्कूल का और हमारे जिले सोलन का सबका नाम रोशन करे। और हमारे स्कूल की तरफ से हमारे चेयरमैन सर, हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, हमारा जो इंटायर स्टाफ है, उन सब की तरफ से सानवी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब प्रेयर करते हैं। हमारे बच्चों की तरफ से भी उसके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो आगे जाकर खूब नाम कमाए। माय हॉबी इज डांसिंग। कितना प्यारा देश हमारा, इस प्रकृति ने खूब सवार, हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं दिवालय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई, हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं, देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। हाँ, जब भी मेरे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। पिछली बार जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो उस बार एक फंक्शन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं एक्टिंग कर रही थी एक नट। और इस साल भी एक फंक्शन था जब मैंने स्कूल में सॉन्ग गाया था, और जब चुल्ली और अभी जो सोलन में चुल्ली मेला है तब मैं डांस कर रही हूँ, और मैं अपने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। जैसे कि मैं कभी कभी योगा करती हूँ और पढ़ती हूँ और ड्राइंग करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें करती हूँ।
बार ना किसी फिल्म के हीरो को देख लिया था तो मेरा मन किया कि उसकी तरह करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं बार बार उसकी तरह करे जा रही थी। तब मुझे शौक हो गया, फिर मैं स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगी। इस तरह मेरा धीरे धीरे एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया। माता पिता का जो मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं और मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं उन्हीं के कारण फाइनल तक पहुंची हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरवीर सिंह है, मैं सोलन का रहने वाला हूं। मेरी बेटी का नाम सानवी अत्री है और ये बीएल स्कूल में पढ़ती है और वहां से ट्यूशन सेंटर जाती है। और ट्यूशन वाली मैम ज्योति मैम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने इससे प्रैक्टिस भी कराई और भेजा भी। उन्होंने गुरुकुल स्कूल में था इनका जो KKHD का प्रोग्राम, फिर वहाँ दो राउंड थे वहाँ, फिर वहाँ से तीसरा बाहर आई यूनिवर्सिटी में हुआ। मैं तो जिम्मेदारा करता हूँ, मैं तो ज़्यादा इधर उधर ही रहता हूँ, पर अब सिक्योरिटी गार्ड में लगा हुआ हूँ और उससे अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। बाकी नानू के पास ही अपने जाते हैं जिनकी कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो उन्होंने ही इसका पूरा खर्चा दिया, बाहर यूनिवर्सिटी में भेजा, अपनी गाड़ी भेजी कि इसका जो है पूरा खर्चा मैं करूँगा। और पैसे भी दिए उन्होंने, फीस भी दी। नहीं, हम तो इस लायक थे नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। और बाकी क्या कहना चाहूँगा, बाकी तो यही कहता हूँ कि भाई हर बच्चे को लगन तो है, इन बच्चों को डांसिंग की, एक्टिंग की और नई नई पढ़ने की, अच्छे मार्क्स लेते हैं स्कूलों में भी, पर हम इतना कर नहीं पाते जितना हो पर कर रहे हैं, जितना इनके नानू ने भी इनके लिए काफ़ी सपोर्ट दी है। और अब फाइनल पता नहीं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सानवी जो है फाइनल जीत के। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ठीक है, हर बार 98-97% मार्क्स लेके आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने में कमजोर है, पढ़ने में भी ठीक है, शरारते कुछ नहीं करती, बहुत शरीफ है सब। और ऐसा भी है कि थोड़ा बच्चा, वैसे बच्चे नहीं शरारत करेंगे फिर कौन करेगा, हल्की फुल्की तो होती है, बाकी घर में बिल्कुल शांत है, बाकी नानू के ही पास रहती है, अगर हमारे पास तो आती नहीं कम, तो स्कूल से आएगी ट्यूशन से सीधी नानू के पास, शाम को जब घर आते हैं हम 8-9 बजे फिर लेके आते हैं, फिर सोने आती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए। नमस्कार, मेरा नाम शालू है, मैं सानवी की मदर हूँ। मेरी बेटी जो है बीएल स्कूल में पढ़ती है 3rd क्लास में। मेरी बेटी हर एक एक्टिविटी में अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है, डांस अच्छा कर लेती है, ड्राइंग भी अच्छी करती है मेरी बेटी, लेकिन एक्टिंग का इसको जो है काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो एक दिन स्कूल में KKHDTV वाले आए, उन्होंने पैम्पलेट दिए तो मेरी बेटी ने भर लिया, जिसमें जो मेरा बच्चा पहला शूट जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, सेकंड राउंड भी अच्छा हुआ, 3rd भी अच्छा हुआ, 4th में जो है वो भी अच्छा हुआ। अभी है जो मेरी बेटी फाइनल में पहुंच गई है और अब मेरी भगवान से दुआ है कि मेरा बच्चा जीत के आए और हमारा नाम रोशन करे। और जो मेरा बच्चा है हर एक एक्टिविटी में अच्छा है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में अच्छा है, सुनती है, जो हम बोलते हैं करती है, हर चीज़ में केयरलेस नहीं है, मतलब बहुत केयरिंग बच्चा है, हमारी केयर करेगी अपने भाई की, मम्मी की, पापा की, अपनी पूरी फैमिली की और अपने नानू नानी से भी कुछ ज़्यादा ही लगाव है। नानू नानी जो है इसको वो भी बहुत प्यारे हैं,
नानू है, इसका पूरा खर्चा भी उठाते हैं मेरे बच्चों का, हमें भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर हम दोनों है प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब में इतना तो हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी इसके नानू हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बच्चे को भी सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट करते हैं, और जो है बच्चा हर एक चीज़ में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे निकले, हमारी तो बस यही विश है भगवान से कि बच्चा रनर अप रहे, जीते और इसको आगे भी मौका मिले काम करने का। मेरी भगवान से यही दुआ है कि मेरा बच्चा जो है फाइनल में विनर अप रहे, और भगवान इसी तरह मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद देते रहे और इसे जीवन में सक्सेस करे। स्टडी में जो है मेरा बच्चा नर्सरी क्लास से ही अच्छा है, हर एक क्लास में 97, 98, 99% लेके आती है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ाई की कोई कभी भी स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आती है, हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है, सोलन में शूलिनी मेला होता है जिसमें हर साल मेरा बच्चा स्टेज शो करता है, डांस में पार्टिसिपेट करता है, कोई भी फंक्शन होता है हर एक समर फेस्टिवल में ये पार्टिसिपेट करती है, स्कूल में हर एक फंक्शन में एक्टिंग में डांसिंग में, स्पीकिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है, स्पीच बोलती रहती है स्कूल में, हर एक चीज़ इसका अच्छा है। इसका लाइफ का मोमेंट है सर, इसे घूमना बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा खुश होती है जब अपने नानू नानी के घर जाती है, क्योंकि इसे गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके नानू नानी रहते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो इसको बर्फ में घूमना बहुत अच्छा है, जो कि वीडियो बना बना के सर कैप्चर करती रहती है फोन में और डालती रहती है, बर्फ में काफी एंजॉय करती है। बचपन से ही मेरी बच्ची बहुत नटखट है, छोटी छोटी ऐसी शरारतें कर ली जिस पे मतलब हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता है, कभी कर देना ऐसे देख लेना मम्मा इधर को चले गए हैं, कहीं पानी गिरा देना, या अब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या करेगी, एकदम से देखेगी मम्मा चलेगी तो वाटर कलर से कभी बेडशीट पोंछेगी, कभी अपने कपड़ों पे लगाएगी, और कभी अपने भाई का कार्टून बना देगी कलर करके, या कभी अपने आप ही कार्टून बन जाती है, और दूसरा कभी स्कूल से आती है तो जैसी एक्टिविटी रहती है तो बोलेगी हम, मुझे तो बोल नहीं पाती सर, मेरे पास टाइम नहीं होता है, गांव में जाती है तो नानू नानी को स्टूडेंट बनाती है, यहाँ रूम पे है जो अपने नानू को स्टूडेंट बना के रखा होता है, बैठो, और मतलब छोटी छोटी इसकी कुछ ऐसी शरारतें जिसपे गुस्सा नहीं हंसी आती है, और अच्छा भी लगता है कि नहीं यार चल बच्चा है। हाँ बिल्कुल सर, मेरा बच्चा बहुत छोटे थे दोनों बच्चे मेरे जब इनके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो सर उस टाइम मेरे बच्चों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, इनको अपने माँ बाप के बिना भी रहना पड़ा, अपने पापा को उन्होंने एक साल शक्ल नहीं देखी है, यहाँ तक कि मैं भी सर कहीं तीसरे महीने अपने बच्चों से मिलने जा पाती थी, क्योंकि इनके पापा 9 महीने तो कोमा में रह चुके हैं, तो उस टाइम सर ये काफ़ी स्ट्रगल रहे हैं, फिर मेरा बच्चा बिल्कुल ही उसके बाद बीमार भी हुए ये बच्चे, जिनको दवाइयाँ वगैरह दी है, अभी सर कुछ एक साल पहले की बात है, जो बच्चा चलते चलते ही गिर गया था स्कूल में, चक्कर आया, काफ़ी बीमार हुआ, हमें एडमिट भी हुआ हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी बोला था कि आप इन्हें IGMC ले जाओ, पर सर यह है कि हो ही गया था फिर इसका इलाज सोलन में और ठीक हो गया था। बस मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल में जीत के आए और हमारा नाम रोशन करे और अपने स्कूल का भी नाम रोशन करे। मुझे अपने नानू के साथ टाइम स्पेंड और खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनके साथ पौधे लगाती हूँ, और मेरे नानू मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनका भी थैंक्स करती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम परसुराम शर्मा है, मैं यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी गार्ड का एजेंसी चलाया है, उसका ओनर हूँ, और इसको सानू जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, मेरी ज्योति लगती है ये, और इसकी जो इसको एक्चुअली में एक्टिंग का या डांसिंग का बहुत शौक है पहले से, और मैंने भी इनके मम्मी पापा को फोर्स किया कि इसको करने दो जो भी करती है, और एक्टिविटीज़ की बहुत अच्छी है, खास करके जैसे पौधों के लिए या किसी फूल वगैरह लगाने के लिए, हर काम के लिए बहुत शौक रखती है, और दिन भर बिजी रहती है, सुबह स्टार्टिंग में स्कूल, उसके बाद अपने ट्यूशन में, उसके बाद ऑफिस आती है, तो ऑफिस होम आती है, तो फिर ट्यूशन, फिर उसके बाद कहीं जाके फ्री होती है शाम को 7:30-8 बजे तक। शरारतें तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा करती है, और ना ही रहती मेरे बगैर, मेरे पास ही रहती है ऊपर कमरे में मैक्सिमम। भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि ये और भी आगे बढ़े और ऐसे ही आगे बढ़ती जाए। साथ में भगवान से दुआ करता हूँ कि ये फाइनल जीत के आए और साथ में अपनी फैमिली के का भी जो सर ऊंचा करें। मैं जब घर पे आती हूँ तो मैं अपनी क्लास लगाती हूँ और फिर जब मैं क्लास से अपनी फ्री होती हूँ तो फिर मैं खेलती हूँ, डांस करती हूँ और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति निखिलपुरी है। मैं स्मॉल वंडर डे केयर चलाती हूँ जिसमें सानवी हमारे पास पिछले 3-4 साल से रह रही है। सानवी बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, हर चीज में बहुत कॉन्फिडेंस है इस बच्ची में। ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, डांस बहुत अच्छा करती है और एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी करती है। तो हमारी बेस्ट विशेज है सानवी के लिए। वो 4 राउंड क्लियर कर चुकी है किसमें कितना है दम के लिए, अब वो फाइनल राउंड में चली गई है। उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बेस्ट विशेज फॉर हर। बहुत अच्छी है, उसको सिर्फ एक बार हमें बताना होता है कि सानवी आपको ऐसे डायलॉग्स देने हैं, ऐसे बोलना है, तो वो बहुत अच्छे से कैच करती है, बहुत जल्दी सीखती है चीजों को। कोई भी चीज हो, एक्टिंग हो, डांस हो, पढ़ाई के लिए हो, बहुत अच्छे से वो कैच करती है सब चीजें। नेचर उसका बहुत अच्छा है, बहुत टॉकेटिव है, बातें करनी उसको बहुत अच्छी लगती है, सबको एंगेज करके रखती है, बच्चों को अपने साथ खेलती है, छोटे बच्चों को तो बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से रहती है। हाय मेरे घुटनों का दर्द। 12 बज गए, बहुरानी अभी तक मायके से लौटी नहीं, इसका तो मन ही नहीं करता आने का। बहुरानी कभी अपनी सास की भी सेवा कर लिया करो। बहुरानी कभी अपनी सास की भी सेवा कर लिया करो। आप लोगों को पता है आजकल की बहुएं कैसी होती है, ना बिंदी लगाती है, ना सिंदूर लगाती है, मॉडर्न जमाने की मॉडर्न बहुए है। आ गई महारानी मायके से, पहले क्या तेरी टांगे टूट गई थी जो आने का मन नहीं किया, अब उधर क्यों बैठ गई, इधर आ इधर बैठ और मुझे दिखा तेरी माँ ने हमारे लिए क्या क्या भेजा है। ठीक है, अब ऐसे आपने ओपन करके दिखाना है, क्या बोलोगे? ये लेकर आई है क्या मायके से? ये लेकर आई है क्या मायके से? मेरा बेटा तो ब्रांडेड शर्ट्स पहनता है। मेरा बेटा तो ब्रांडेड शर्ट्स पहनता है। ये नहीं नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। ये नहीं नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। ये साड़ी मेरे लिए लाई हो क्या? ये साड़ी मेरे लिए लाई हो क्या? एक दिन KKHD टीवी हमारे स्कूल में आई थी और फिर एक दिन एक और KKHD की टीम हमारे स्कूल में आई थी। उन्होंने हमें बताया KKHD तो शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक एक्टर बनूं और टीवी पे आऊं, और फिर मैंने KKHD में एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट से लेकर 3rd राउंड तक मेरा सोलन में हुआ और 4th राउंड मेरा वागना घाट में हुआ। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मैं फाइनल में जीत के आऊँ, अपने माता पिता और अपनी पूरी फैमिली का, अपनी सिटी का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।